तो कैसे एक लड़ाई झगड़ा करने वाला मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, जो हर एक फील्ड में हार चुका था, बन गया न केवल भारत का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। तो आइए जानते हैं संदीप महेश्वरी के लाइफ की पूरी कहानी के बारे में। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए। साल 1980 में दिल्ली के रूप किशोर महेश्वरी के घर संदीप महेश्वरी का जन्म हुआ। संदीप महेश्वरी के पिता पेशे से एक एल्युमिनियम के छोटे व्यापारी थे, जिसकी वजह से उनके घर की स्थिति कुछ खासा अच्छी नहीं थी। बचपन से ही संदीप का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा, जिसकी वजह से अक्सर वो दूसरे बच्चों से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और ज्यादातर वो लड़ाई झगड़े में पिट कर आते थे। हमेशा से ही संदीप का मन कोई जॉब करने में नहीं लगा, वो हमेशा से ही कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते थे। 13 साल की उम्र में ही संदीप के फादर ने उन्हें एक बाइक गिफ्ट करी थी और उस टाइम पर ही उन्होंने अपनी बाइक को रेंट पर देना शुरू कर दिया था, ताकि वो कुछ साइड इनकम बाइक को रेंट पे देकर कमा सके। पर संदीप महेश्वरी के पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे ना होने के बावजूद अपने घर की स्थिति देखकर उन्होंने अपनी 12वीं के लिए काफी मेहनत करना शुरू कर दिया और 12वीं कम्प्लीट करते करते उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई। और वक्त ऐसा भी आया कि संदीप के फादर का एल्युमिनियम बिजनेस पूरी तरह कोलैप्स कर गया। इस वजह से उनकी मां ने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एसटीडी पीसीओ शॉप खोली, जहां संदीप ने भी शॉप पर बैठना शुरू किया और साथ ही अपने एग्जाम के बाद ही उन्होंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, जहां उन्होंने लोगों को करियर गाइडेंस देने के लिए पैम्पलेट छपवाए। उन पैम्पलेट्स में 12वीं के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनके कस्टमर के आगे खुली हैं, ये एडवर्टाइज कराया। हालांकि संदीप ने खुद ही उस टाइम पर 12वीं के एग्जाम दिए थे और वो खुद कुछ नहीं कर रहे थे और उन्होंने 12वीं के स्टूडेंट को करियर गाइडेंस देना उस टाइम ही शुरू कर दिया था। तो मैंने पैम्पलेट छपवाए 2500 रुपए के, उसमें था व्हाट टू डू आफ्टर 10+2 ?" और वो एक हेल्पलाइन थी कि अगर आपने अभी 12th पास करी है और आप जानना चाहते हैं आगे क्या करियर चूज करना है तो आप यहाँ पे फोन कर सकते हैं। मैंने अपने घर का लैंडलाइन नंबर दिया था और आप पूछ सकते हैं सर से कि संदीप सर से हमें क्या करना चाहिए, और वो संदीप सर कौन है, वो खुद 12th पास है। पर ये काम उन्होंने ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं किया, जिसके बाद जाकर संदीप महेश्वरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोरी माल कॉलेज में एडमिशन लिया अपना बीकॉम करने के लिए और साथ ही साथ कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए अपना पहला इंटरव्यू दिया। पर वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी और उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद जाकर उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम करना शुरू किया, जहां वो लिक्विड सोप बेचते थे। जिसके बाद जाकर संदीप महेश्वरी को एक आइडिया आया कि जिस लिक्विड सोप को वो 400-500 रुपए में बेच रहे थे, वो इससे भी कम दाम में लिक्विड सोप को बनवा सकते हैं। इसलिए संदीप ने अपने खुद के लिक्विड सोप बनाए और उसको सिर्फ 30-40 रुपए की रेंज में ही बेचना शुरू किया। पर फिर भी ये बिजनेस फेल हो गया, जिसकी वजह से उनके रिलेटिव ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उन्हें लिक्विड सोप वाले के नाम से बुलाने लगे। पर इन सब फेलियर से भी संदीप महेश्वरी ने हार नहीं मानी और लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। साल 1999 में संदीप महेश्वरी ने कदम रखा मॉडलिंग इंडस्ट्री में, जहां उनके एक फ्रेंड ने उन्हें अपना पोर्टफोलियो दिखाया और अपने फ्रेंड का पोर्टफोलियो देखने के बाद जाकर उनका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में भी बढ़ गया। लेकिन मॉडलिंग इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और हैरेसमेंट देखने के बाद उन्होंने मॉडलिंग छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान फोटोग्राफी करने में लगा दिया और साथ ही अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। पर शुरुआती दिनों में संदीप महेश्वरी कुछ खासा पैसे फोटोग्राफी से भी नहीं कमा रहे थे, इसलिए साल 2002 में संदीप ने एक कंसल्टेंसी फर्म खोली, जिसमें भी वो फेल हो गए। इसीलिए उन्होंने अब फोटोग्राफी पे ही पूरी तरह ध्यान देना शुरू किया और अपनी खुद की कंपनी मेश ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना करी, जहां पर साल 2003 में संदीप महेश्वरी ने 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल के 10,000 शॉट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया,
जिसकी वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और अपना फोटोग्राफी का पैशन को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए साल 2006 में इमेज बाजार नाम की कंपनी की स्थापना करी। इमेज बाजार अपने में पहली कंपनी थी जो इंडियन फेसेस के साथ क्रिएटिव इमेज सेल करती थी और इमेज बाजार के ही वजह से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज उनकी क्लाइंट्स बनी। इस टाइम पर इमेज बाजार इंडिया का लार्जेस्ट इंडियन पिक्चर की वेबसाइट है जिस पर 1 मिलियन इमेज से भी ज्यादा का डेटाबेस और 7,000 से भी ज्यादा क्लाइंट 45 कंट्री से हैं। हालांकि संदीप महेश्वरी को इमेज बाजार से काफी ज्यादा सफलता मिल चुकी थी पर वो फिर भी नहीं रुके और साल 2012 में यूट्यूब ज्वाइन किया जहां वो अपने विजिटर्स को मोटिवेशनल सेशन देने लगे और उनके इस सेशंस को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालना शुरू किया और एक साल के अंदर ही उनके सब्सक्राइबर 1,000 हो चुके थे, जिसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने सेशंस और बड़े हॉल में करना शुरू किया और एक से बढ़कर एक लाइफ चेंजिंग वीडियोस अपलोड करते चले गए। आप कैसे हैंडल करते हो वो सिर्फ आपके हाथ में, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है बॉस। जो अभी कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन उसको एंजॉय करना शुरू कर दो। कितना भी बोरिंग हो उसको इंटरेस्टिंग बना दो। इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या मानते हैं। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं। जब भी कोई बड़ा फेलियर आता है तो कोई बड़ी सक्सेस जरूर आती है। कोई एक पर्सन चाहिए होता है, कोई एक कहीं ना कहीं तो चाहिए होता है ना, जो आकर के बोले कि हाँ यार तू कर सकता है। बस इतना ही बोलते बहुत होता है। जिसकी नजर सही है उसको 100 लोगों की जरूरत नहीं है प्यार को एक्सपीरियंस करने के, उसके लिए एक ही काम, स्टैंड ले लो अपनी लाइफ में, जितनी जल्दी ले सकते हो उतनी जल्दी ले लो कि भाई तुम्हारी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर चाहे वो आपके बच्चे हैं। यू नॉट अ टाइनी लिटिल पार्ट इन लाइफ, यू आर लाइफ। लाइफ में सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना वो आता है किसी भी पर्टिकुलर काम में मास्टरी को अचीव करना। I'm going to be the master of this particular game. Then you can extend it further by saying, I'm going to be the master of the game of life. उनकी इस मोटिवेशनल वीडियोस को लोगों ने खूब पसंद किया और साल 2019 तक वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके थे, जिसके बाद संदीप महेश्वरी दुनिया के सबसे बड़े नॉन मोनेटाइज यूट्यूब चैनल के मालिक बन गए। इतने ज्यादा सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप होने के बावजूद भी उन्होंने आज तक यूट्यूब से 1 रुपया तक नहीं कमाया। साल आया 2021 का जब उन्हें अपनी इस मेहनत और लगन के लिए फिर से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया मोस्ट व्यूड मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के लिए। इसी साल यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी चेंज कर दी और यूट्यूब के नए पॉलिसी के हिसाब से यूट्यूब के हर एक चैनल का मोनेटाइज होना लाजमी कर दिया, जिसके बाद संदीप महेश्वरी ने यूट्यूब को पूरी तरह क्विट करने का फैसला किया और अपना नया प्लेटफॉर्म SMTV लॉन्च करने की भी घोषणा करी और साथ ही अपनी परेशानी को यूट्यूब को ओपन लेटर लिखकर बताया कि वो उनकी नई पॉलिसी से ना खुश है। पर आखिरकार जाकर यूट्यूब को की बात मानी और उनके चैनल्स को एड्स और मोनेटाइजेशन पॉलिसी से बाहर रखा गया। इस टाइम पर संदीप महेश्वरी यूट्यूब पर 2 चैनल संदीप महेश्वरी और संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी के ओनर हैं और साथ ही 27 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर के साथ पूरी दुनिया के इकलौते नॉन मोनेटाइज चैनल भी ओन करते हैं जिनकी वीडियो पर कोई एड तक नहीं आता। तो अब बस यही चीज का इंतजार है कि आगे आने वाले सालों में दिल्ली के मिडिल क्लास फैमिली का लड़का क्या क्या कमाल करके दिखाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल